हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हम न्यू सिलेबस जो आपके सीए एग्ज़ाम के लिए है, कब से एप्लीकेबल होगा, कौन कौन सी टीचर ने क्या क्या वीडियो बनाई, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, कैसे कैसे आपको इसमें एग्जामिनेशन लेना है, सारी चीज़ बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जैसे ही ये एप्लीकेबल होगा तो एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, सारी डिटेल उसमें कवर की जाएगी। मैं आपको बताता हूँ न्यू सिलेबस के बारे में। देखो, कोई भी सिलेबस कैसे एप्लीकेबल होता है, अगर आईसीएआई कोई न्यू सिलेबस लाती है तो कैसे इम्प्लीमेंट करती है। सबसे पहले स्टूडेंट से और मेंबर से क्या सजेशन लिए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि कौन सा टॉपिक ऐड करना है या रिमूव करना है, रेजुलेशन पास किया जाता है। उसके बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसके बाद उसको एमसीए को दे दिया जाता है, ठीक है। अब एमसीए से जैसे ही अप्रूवल आता है, वैसे ही क्या होता है कि ICS को इम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ है, ICS ने वो सारा काम कर दिया, मतलब सजेशन ले लिया स्टूडेंट से, मेंबर से, सबसे सजेशन भी ले लिया। अब इसको क्या है कि MCA को दे रखा है। जैसे ही MCA के पास से अप्रूवल आएगा, अप्रूवल आते ही ICS इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। इम्प्लीमेंट कब से होगा, देखो अगर आप फॉलो करते हो मेरे को रेगुलर, तो मैं पहले वीडियो बनाया था कि चिराग गुप्ता है NIRC मेंबर, उन्होंने बताया था कि नवंबर 23 तक एप्लीकेबल हो जाएगा। ICA बहुत प्रयास कर रही है इसके रिगार्डिंग। मैं आपको बता दूँ, नवंबर 23 या फिर मई 24 तक पक्का आपके लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको इसमें ऑप्शन भी मिलेंगे कि आप ओल्ड में रहना चाहते हो कि न्यू में रहना चाहते हो, कैसे आपको एग्जम्पशन मिलेगी, कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, सारी चीज़ बताऊँगा जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा। एक डिटेल वीडियो आप सभी के लिए आएगी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट्स इसमें आने वाली है। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।